हम यूपी रामपुर से। तो फिलहाल हम नैनीताल सिटी में एंटर कर चुके हैं और जस्ट अभी हमने एंटर किया है और यहाँ की इमारतें और यहाँ की बिल्डिंगें जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। कहने को तो नैनीताल एक खूबसूरत शहर है, सपनों का शहर है और यहाँ की जो खूबसूरती को चार चांद लगाती है वो यहाँ की झील है जिसका नाम नैनी झील है। और फिलहाल हम चल रहे हैं अभी माल रोड पर जो कि ज़्यादा फेमस है और ये राजभवन ये फुटबॉल क्लब की तरफ है तो ये माल रोड है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो लो हम फुटबॉल क्लब पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं बादल कितने हैं, मतलब कि पहाड़ों से भी नीचे आ चुके हैं, पूरे पहाड़ों को ढक लिया है बादलों ने। और ये है कार पार्किंग जहां पर कार पार्क की जाती है। वैसे तो बाइक की पार्किंग अलग है लेकिन कार पार्किंग ये अलग है, ये फुटबॉल क्लब के पास में ही है। और बादलों का तो सुंदर नज़ारा, जो पहाड़ों के ऊपर ऊपर बादल चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुहावने लग रहे हैं। और ये झील के पास की मार्केट है और यहाँ पर भी हर चीज़ उपलब्ध है, चाहे वो गर्म कपड़े हो, ठंडे कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ हो या फिर कोई खिलौना वगैरह बुक्स हो, सब चीज़ उपलब्ध है। और हर देखो दुकानें, कितनी दुकानें बनी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान है क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती है। और ये है झील, नैनी झील, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जो कि लाखों करोड़ों अरबों देशवासियों को यहाँ पर आने पे मजबूर करती है। कितनी सुंदर है वो तो आप देख ही रहे हैं मोबाइल में, कितनी सुंदर है। और बादल कितने नीचे आ चुके हैं, पूरे पहाड़ को ढक लिया है। मुझे तो डर सा लग रहा है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन है। मोबाइल में थोड़ा लग रहा है लेकिन रियल में तो इतना खतरा लग रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मतलब कि नज़ारा अलग ही था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये मछलियाँ हैं, मछलियाँ तो बहुत मछलियाँ इस पानी में। तो अब हम झील के बीचों बीच आ चुके हैं और नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर हो चुका है क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप देख रहे हैं पहाड़ों पर बादल किस तरह से छाए हुए हैं, चारों तरफ पहाड़ को ढक लिया है बादलों ने और ऐसा नज़ारा लग रहा है जैसे कि अब बारिश पड़ने वाली। तो फिलहाल हम आ चुके हैं नैनीताल की झील में और बोटिंग कर रहे हैं फिलहाल कपड़े हमने पहन लिए क्योंकि और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंडक रही है, हाथ पे सुन पड़ने वाले हैं, इतनी ठंड पड़ रही है। लेकिन बोटिंग करने के लिए आए तो पहले बोटिंग तो करेंगे, सबसे पहले हमने बोटिंग की है उसके बाद में देखेंगे लेकर जाना तो जान जाएंगे लेकिन बहुत इंजॉय आ रहा। और पानी तो गर्म है, इसका पानी गर्म है ऊपर, बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर ठंडे पानी गर्म है। तो नैनीताल का जो केंद्र बिंदु है वो है नैनी झील जिसमें कि हम इस फिलहाल अब हैं और इसके चारों तरफ मतलब आसपास काफ़ी झीलें जैसे कि भीमताल है, सात ताल है और खुरताल है, मल्लीताल, मल्लीताल तो शायद इसी के मतलब आधे भागों को मल्लीताल बोलते हैं, मतलब कि सात ताले जो हैं वो इसी के नैनीताल के चारों तरफ आसपास में ही बनी हुई हैं और वो भी अपनी खूबसूरत के लिए जानी जाती हैं। और लेकिन नैनीताल की खूबसूरती तो वो तो आप हमारे इस वीडियो में देख ही रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है तो और दिखाते हैं, बहुत बहुत सुंदर नज़ारा है। तो कितनी मछलियां हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा खाना डालो उसके बाद मेरी मछली आती हैं। और देखो कलरफुल भी मछलियां हैं, पीले कलर की मछली।
ये है हमारा खूबसूरत नैनीताल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लाखों करोड़ लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये है इतना फेमस। और हमने बोटिंग वगैरह कर ली है, अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। ये है मार्केट, जो कि मैंने आपको बता दी थी, मेन मार्केट है झील के पास की। और चलते हैं फिर। ये है मस्जिद, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और उधर है चर्च, बीच में है अखबार अमर उजाला। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो चिड़ियाघर की आने वाली है, उसी में हम मंदिर दर्शन करेंगे, जो यहाँ का मंदिर है नैना देवी का। तो चलते हैं फिर।